लर्नर्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा हाउ टू डिटरमाइन द डेंसिटी, उसके बाद हमने देखा हाउ टू डिटरमाइन जेड मतलब द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। और जैसे हम जेड कैलकुलेट करते हैं, सो डिपेंड ऑन द जेड वी आर एबल टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। तो आज के पीरियड में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द यम दैट इज द मास। तो मास किस तरह से कैलकुलेट करना है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ रीअरेंज होता है फॉर्मूला। तो हाउ टू सॉल्व द मास, मास पूछा जाएगा आपको, बाकी सभी वैल्यूज आपको दी जाएगी वहां पे, और मास पूछा जाएगा। तो हमें आज पढ़ना है मास, हाउ टू डिटरमाइन द मास ऑफ दैट गिवन एलिमेंट, ये पढ़ना है हमें। तो आई होप आज तक जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं, जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं, उतने सब लेक्चर्स आपने अच्छी तरह से देखा, उसमें जो भी टॉपिक्स है उसको पढ़ा है, जाना है, समझा है, और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर रहे हैं आप। तो फिर से एक बार कहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि विदाउट एनी सर्चिंग हम आप तक आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ पे है बोर्ड पे। तो न्यूमेरिकल क्या है, एक्सरे। और जैसे ही मैंने पहली बार ये बताया था कि जैसे ही न्यूमेरिकल पढ़ते हैं आप, पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में डाटा तैयार होना चाहिए। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शो दैट, एक्सरे मेथड होता है, मैंने फिर पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है कि एक मेथड होता है जिससे हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, तो उसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड कहते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज दैट, क्या दिखा रहा है वो, दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC अरेंजमेंट। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC अरेंजमेंट। FCC अरेंजमेंट मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसी को हम CCP भी कहेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो FCC अरेंजमेंट है ना, तो FCC अरेंजमेंट है मतलब Z इज इक्वल टू, बताया है उन्होंने इनडायरेक्टली Z इज इक्वल टू होता है 4। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द फेसेस। तो कॉर्नर्स पे कितने, 8, हर एक कॉर्नर का पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल, सो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। फेस सेंटर कितने, 6 फेस सेंटर, क्यूब के कितने फेस सेंटर होते हैं, कितने फेस सेंटर होंगे क्यूब के, 6 फेस सेंटर होंगे। तो 6 जो फेस सेंटर्स है, हर एक फेस का पॉइंट 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 × 1/2 आया, तो ये हुआ 3, तो 1 + 3 = 4, तो Z इज इक्वल टू 4। आगे जाना है विद सेल एज ऑफ 3.608 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर पिकोमीटर में देता तो हम उसको 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर से -10 से मल्टीप्लाई कर देते, ताकि वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता। मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻¹⁰ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे दिया है सेल एज, एज कितना है, ये है सेंटीमीटर में दिया हुआ है सेल एज मतलब ये। तो ये इज इक्वल टू कितना है, ये इज इक्वल टू 3.608 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर। एक एज का लेंथ है कितना, इतना है एक एज का लेंथ। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए हमें, यूनिट सेल का वॉल्यूम मतलब ये मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये, तो ये हो गया ये क्यूब। अब ये क्यूब, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, तो 3.608 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर इसका क्यूब करना पड़ेगा। अब ये क्या आया, ये आया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये क्या है, ये क्यूब है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम है ये क्यूब। अब आगे जाएंगे, द डेंसिटी ऑफ कॉपर हैज बीन फाउंड टू बी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू कितनी है, 8.92 ग्राम पर सीएम क्यूब। एक सीएम क्यूब की कितनी डेंसिटी है, 8.92 ग्राम, इतनी डेंसिटी है। अब ध्यान में रखना है आपको, ये सेंटीमीटर में है या ग्राम है तो चलेगा, अगर ये मीटर में होता है तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या ये केजी में होता है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे मीटर, यहाँ पे केजी, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे सेंटीमीटर। पिकोमीटर में दिया होता है तो 10⁻¹⁰ से मल्टीप्लाई करना है, ताकि वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, या 10⁻¹⁰
12 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो सके। तो अब फॉर्मूला लिखते हैं, क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एटॉमिक मास कॉपर का तो पता है हमें, लेकिन हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना पड़ता है, तभी मार्क्स आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। और समझो कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसका एटॉमिक मास पता नहीं है, तो तब क्या करोगे, तो तब हमें यही फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू एन ए। क्या है डेंसिटी, जेड क्या है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, एम क्या है मास है जो हमें कैलकुलेट करना है, ये क्या है ये लेंथ है, ए क्यूब क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, एन ए क्या है अवोगाड्रोज नंबर है, कितना होता है अवोगाड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10^23। आगे जाएंगे, हमें निकालना है यम, यम इज इक्वल टू क्या आएगा, यम इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइडेड बाई जेड, ये जेड एम के मल्टीप्लीकेशन में है, ये जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब दैट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोज नंबर दैट इज द एन ए डिवाइडेड बाय जेड। अब डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 8.92, तो ये डेंसिटी लिखा हमने 8.92। अब ये क्यूब क्या है, अलग अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, तो 3.608 ये मतलब 3.608 ये लेंथ है, इसका करना है क्यूब, तो ये आया क्या वॉल्यूम आया। अब ये 10^-8 है, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, 10^-8 इसका भी क्यूब किया इंटू एन ए कितना है, एन ए है 6.022 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय जेड कितना है, जेड है 4। अब एक एक करके हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करो 3.608 का क्यूब करो, 3.608 मल्टीप्लाइड बाय 3.608 मल्टीप्लाइड बाय 3.608 इसका क्यूब करना है हमें, क्यों, क्योंकि क्यूब करने के बाद ही हमें इसका वॉल्यूम मिलेगा। ये मतलब क्या है, एज लेंथ है, अब करते रहो कैलकुलेशन, ये मतलब क्या है एज लेंथ है, तो एज लेंथ ये मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये, तब आएगा ये क्यूब, और इसका 3.608 का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये कितना है, ये है 46.98 इतना है, 46.98 इतना है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट से। अब हमें क्या करना है, 8.98 मल्टीप्लाइड बाय, इसका क्यूब निकाला हमने 46.98 मल्टीप्लाइड बाय 10^8 मल्टीप्लाइड बाय 8 3 24 -24 ये माइनस साइन है ना, तो -24 इंटू 6.022 इंटू 10^23 लिखा डिवाइडेड बाय ये आया 4 मतलब जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। आगे जाएंगे तो अब हमें क्या करना है, 8.92 मल्टीप्लाइड बाय 46.98 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 ये करना है, 10^-24 और 10^23 इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, सबसे पहले क्या करना है, करते रहो कैलकुलेशन को, करते रहो 8.92 मल्टीप्लाइड बाय 46.98 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इतनी ही वैल्यूज का सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, 8.92 मल्टीप्लाइड बाय 46.98 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आया, इसका मल्टीप्लीकेशन आया 2523.58 इतना इसका मल्टीप्लीकेशन आया इंटू 10^-24। अब जरा ध्यान से सुनो इसको क्या करना है हमें, ये 10^23 है और ये 10^-24 है, तो इसको हम -24 को -23 करके लेंगे, क्योंकि ये -23 और ये +23 हम कैंसिल कर सकेंगे, तो क्या करना है हमें -24 का -23 में कन्वर्जन करना है, ताकि हम ये -23 और +23 को कैंसिल कर सके। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, इसकी वैल्यू -24 से -23 बड़ी है वैल्यू,
तो -24 का अगर -23 में कन्वर्जन करते हैं, मतलब इस 10 की पावर बढ़ा रहे हैं आप एक से, तो इस 10 की पावर बढ़ा रहे हैं तो इसकी पावर हमें कम करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यहां से हटा के ध्यान से सुनना है आपको, 24 का बना रहे हम 23, बनाया तो 23 बनाया मतलब इसकी वैल्यू हमने बढ़ाई, -23 बड़ा होता है -24 से, तो इसकी वैल्यू बढ़ाई तो इसकी वैल्यू हमें घटाना होगा, तो एक डिजिट से पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो ये कितना आया, 252.358 मल्टीप्लाइड बाय 10^(-23) मल्टीप्लाइड बाय 10^(-23) डिवाइडेड बाय 4। अब ये -23 + 23 होगा कैंसल, अब 252.3 डिवाइडेड बाय 4, इतना कैलकुलेशन आपको करना है। तो इतना ये कैलकुलेशन कितना आएगा, ये कैलकुलेशन आएगा 63.08 ग्राम। कितना आएगा, 63.08 ग्राम। तो m कितना है, m है 63.08 ग्राम। तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना, 63.08 ग्राम। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल वही कैलकुलेट करना है, दैट इज द मास। तो सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस, क्या दिया है आपको, दिया है कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस, अगेन FCC लैटिस। तो अब आपको ये समझा है कि अगर FCC लैटिस होता है तो झड़ क्या होता है, तो FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसी को हम CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका यूनिट सेल होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसमें एटम्स होते हैं Z=4, मतलब एटम्स कितने होंगे, Z=4 होंगे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, फिर से एक बार डिस्कस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज, एज लेंथ क्या है, ये इज इक्वल टू 4.077 × 10^-8 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पिकोमीटर में अगर देते हैं और ग्राम में देते डेंसिटी, तो हमें उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और आपको पता है कि अगर पिकोमीटर में वैल्यू है तो 10^-10 से मल्टीप्लाई किया तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में, या 10^-12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो ये मिला हमें क्या, एज लेंथ 4.077 × 10^-8 सेंटीमीटर, ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है, सेंटीमीटर में दिया है। अब हमें वॉल्यूम चाहिए ना, क्योंकि डेंसिटी फॉर्मूला में वॉल्यूम है ए क्यूब है, तो ए का क्या करना पड़ेगा, ए का क्यूब करना पड़ेगा। और सिमिलरली इस वैल्यू का भी, एज लेंथ का भी 4.077 × 10^-8 सेंटीमीटर का क्यूब करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो बाद में क्यूब करेंगे इसका। ये मिला हमें यू, ये क्यूब, एंड डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ है कितना है, 10.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। आपको ध्यान से ये देखना है कि डेंसिटी ग्राम में दिया हुआ है या केजी में दिया हुआ है, केजी में भी देख सकते हैं, अगर केजी में दिया होता तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते। तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इज इक्वल टू 10.5 ग्राम पर सीएम क्यूब, इतनी इसकी डेंसिटी है। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, क्या कैलकुलेट करना है, लास्ट एग्जांपल भी हमने एटॉमिक मास ही कैलकुलेट किया था, मतलब इस वीडियो में हम सिर्फ एटॉमिक मास किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं यही देखेंगे। तो एम इज इक्वल टू हाउ मच, ये पूछा है आपको, फार्मूला पता है हमें, फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड है मल्टीप्लाइड बाई एम है डिवाइडेड बाई ए क्यूब है इनटू एन ए है। अब एन ए कभी दिया होता है कभी दिया नहीं होता है, नाइन्थ क्लास से हम पढ़ रहे हैं। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, चाहे एटम्स हो, आयन्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, कोई भी, मतलब कितनी संख्या होती है एक मोल में। जैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 × 10^23 इतने इलेक्ट्रॉन, जैसे एक मोल सोडियम मतलब 6.022, तो ये एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज द एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10^23। तो अब हमें कैलकुलेट करना है एम को, मास को, फिर से एक बार, ये डेंसिटी है, जेड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, ये मतलब उस एलिमेंट का मास जिस एलिमेंट का पूछा हुआ है, किसका पूछा हुआ है, सिल्वर का पूछा हुआ है, ये क्यों मतलब उस यूनिट सेल का वॉल्यूम है, यानी ये मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है। तो हमें कैलकुलेट करना है एम, कैलकुलेट करना है तो एम इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन में है जेड, तो जाएगा कहाँ पे, जाएगा डिनोमिनेटर में,
तो क्या आएगा फॉर्मूला? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ये, मल्टीप्लाइड बाय नेट्रोन नंबर डिवाइडेड बाय आएगा क्या जेड। तो ये फॉर्मूला है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ठीक है, अब जाएंगे आगे, वैल्यू को पुट अप करेंगे। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सीएम क्यूब, इज इक्वल टू 10.5 ग्राम पर सीएम क्यूब, ग्राम पर सीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 सीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। ए क्यूब कितना है? 4.0777 इंटू 10^-8 सेंटीमीटर। इसका करना पड़ेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर फिक्स है, पता है हमें 6.022 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय जड़ कितना है? एफसीसी है, कहाँ गया ये एफसीसी है, इसका मतलब जड़ कितना है? जड़ होता है 4। अब जाएंगे आगे, अब क्या करेंगे इसको स्क्वायर को थोड़ा सा स्प्लिट अप करेंगे ताकि हम आसानी से लिख सके। यूनिट को बाद में लिखेंगे क्योंकि यम मास है तो यूनिट पता है हमें, ग्राम में है तो ग्राम होगा पर मोल होगा, तो मास ग्राम पर मोल होगा या ग्राम होगा। तो 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.077 इसका अलग से क्यूब करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10^-8 -8 का क्यूब करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 4। अब यूनिट ग्राम कैसे आएगा? देखो ये पर सीएम क्यूब है और ये सीएम क्यूब बनेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये सीएम क्यूब और ये पर सीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये पर सीएम क्यूब और ये सीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है? ग्राम बचता है सिर्फ। अब झेड क्या है? झेड तो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर है इसलिए कोई यूनिट नहीं है इसको, 6.022 ये भी फिक्स वैल्यू है तो ग्राम आएगा। अब इसका क्या करना है आपको? आपको इसका क्यूब बनाना है। क्या बनाएंगे क्यूब? 4.077 मल्टीप्लाइड बाय 4.077 मल्टीप्लाइड बाय 4.077 इसका सबसे पहले क्यूब बनाएंगे फिर आगे देखेंगे। तो आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका क्यूब निकालना है। और लॉग के साथ कैसे क्यूब निकालते हैं आपको पता है, जैसे लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया था लॉग का यूज करके कैसे किस तरह से। सीबीएसई को तो अलाउड नहीं होता है, स्टेट बोर्ड को अलाउड होता है, तो लॉग का यूज करके इसका क्यूब किस तरह से निकालेंगे ये आपको पता है। लेकिन आपको ये आदत होना चाहिए कि विदाउट लॉग टेबल विदाउट कैलकुलेटर आपको ये कैलकुलेट करना है। तो 4.077 मल्टीप्लाइड बाय 4.077 मल्टीप्लाइड बाय 4.077 तो ये आता है कितना? 67.79। आपने कैलकुलेट किया इसका क्यूब आया कितना? 67.79 ये क्यूब है इसका 4.077। ठीक है, इसी वैल्यू को पुट अप कर देंगे 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 67.79 मल्टीप्लाइड बाय 10 8 है तो 8 क्या आएगा? -24 आएगा, 8 3 24 तो -24 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 4। तो आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्या करेंगे? 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 67.79 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। चाहे वीडियो को पॉज करो, स्टॉप करके रखो, मल्टीप्लाई करो, या फिर जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसी तरह से आप कैलकुलेट करते रहो या स्टॉप करके कैलकुलेट करो। तो 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 67.79 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 तो ये कितना आता है? 4286.42 मल्टीप्लाइड बाय 10^-24 इंटू 10^23। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे? ये 23 को बाद में लिखेंगे, तो ये -24 है और ये +23 है। अगर यहाँ पे -23 लिख पाते हम तो -23 और +23 को हम कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसकी इसको -23 करेंगे तो इसको 24 का 23 अगर हमने बनाया -23 तो बड़ा लिखेंगे इसको, तो -23 अगर हमने यहाँ पे लिखा तो इसकी वैल्यू क्या किया हमने? इसकी वैल्यू को 10 की वैल्यू को बढ़ाया, मतलब -24 से -23 ये वैल्यू बढ़ी है।
तो -24 से इसको किया -23। अब इसकी वैल्यू बढ़ाई तो इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। अब एक डिजिट से मतलब 10 से इसकी वैल्यू बढ़ाई तो इसकी 10 से वैल्यू कम करना पड़ेगा, मतलब एक डिजिट या एक ये जो पॉइंट है एक डिजिट पीछे आएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 428.642 इंटू 10^-23 इंटू 10^-23 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ये इस तरह से लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ये। अब -23 और +23 को कैंसिल किया हमने, अब बचता है कितना, 428.64 डिवाइडेड बाय 4 इसको करना है आपको। तो ये 4 1 4, अब ये 2 वैल्यू छोटी है तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ये हुआ 28, तो 4 7 28, तो ये कितना आया आपका 107 ग्राम। ये 4 1 4, 2 बचा, 4 6 24, तो ये वैल्यू कितनी आई, 107 ग्राम। ठीक है, तो यम कितना है इसका, यम है 107 ग्राम। तो इस तरह से हम यम मतलब मॉलिक्युलर मास या एटॉमिक मास कोई भी हो, तो इस तरह से हम यम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से हट गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके निकाल के एज अ नोट्स यूज कर सकते हैं। सब है इसमें किस तरह से कैलकुलेशन किया है, किस तरह से सॉल्यूशन निकाला है और लास्ट में आंसर किस तरह से हमने निकाला है, ये भी देखा है हमने। तो आई होप how to calculate the molecular mass or the atomic mass, that is the m, from the formula given is the z is equal to density is equal to z into m divided by a cube into n a. So next period mein hum how to calculate the volume and edge length ye dekhenge, edge length kis tarah se calculate karte hain, volume kis tarah se calculate karte hain, next period mein hum dekhenge. To hamare sath raho, channel ko subscribe karo, theek hai, khush raho, padhai karte raho, milenge next period ke sath. तब के लिए थैंक यू।